पूर्णिमा में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। पटना सिटी, कार्तिक पूर्णिमा में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। राजधानी पटना के सभी गंगा घाटों समेत कई जगहों पर लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजन किया। ब्राह्मण के बीच ऊनी कपड़े और कई तरह के मिष्ठान को दान किया। गौरतलब है कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूरा महीना गंगा में स्नान कर तप करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि आज के दिन से मौसम परिवर्तन होता है और शरद ऋतु का आगमन माना जाता है। सिख धर्म एवं खालसा पंथ के प्रथम गुरुजी नानक देव जी महाराज का जन्म भी आज के दिन हुआ था, इसलिए सिख धर्म के लोग आज गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु नानक जी महाराज का प्रकाश पर्व मनाते हैं। मान्यता अनुसार आज के दिन ही स्वर्ग में तांडव मचाने वाले राक्षस त्रिपुरासुर को भगवान शंकर ने वध किया था, जिससे खुश होकर सभी देवता गंगा में स्नान कर स्वर्ग लोक में देव दिवाली यानी दीप जलाकर खुशी मनाए थे। वहीं आज के दिन भगवान विष्णु मत्स्य अवतार लिए थे, इसलिए सभी पूर्णिमाओं में कार्तिक पूर्णिमा श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए देवता हो या इंसान, सभी लोग आज के दिन गंगा में डुबकी लगाकर पूजा अर्चना करते हैं। इस आयोजन के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।